पानीपत पुलिस ने दशहरे वाले दिन हनुमान स्वरूप में नाच रहे युवक की हत्या करने वाले 5 आरोपियों को काबू किया है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिसके बाद से पुलिस लगातार आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर उन्हें ढूंढ रही थी। अंकित वधावाराम कॉलोनी में रह रहा था और 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी। दशहरे वाले दिन मृतक अंकित व अंकित का बड़ा भाई बबलू और दोस्त वधावाराम कॉलोनी का बबलू हनुमान स्वरूप के साथ हरि सिंह कॉलोनी में प्रसाद लेने गए थे। इसी दौरान बबलू के साथ कई युवकों ने मारपीट कर दी। बबलू को छुड़वाने के लिए अंकित गया तो युवकों ने चाकुओं से हमला कर दिया था। पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद 5वें आरोपी को DSP 30 वत्स ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 आरोपियों ने मृतक अनिल की पिटाई की थी और 5 युवकों ने उस पर चाकुओं से हमला किया था। हनुमान स्वरूप को लेकर जो एक मर्डर का मामला सामने आया तो उसमें क्या कार्रवाई की? जी मैंने कल जैसे बताया था, 4 लड़के जो झगड़े में शामिल थे जिनमें से एक चाकू मारने वाला था, बाकी बेल्ट और थप्पड़ घुसों से पिटाई करने वाले थे, उनमें 4 को दिन में गिरफ्तार कर लिया था। 5वें लड़के को भी कल शाम को उसमें हमने गिरफ्तार कर लिया। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।